तो फाइनली दोस्तों थलापति विजय की फिल्म लियो ने सिनेमाघरों में 13 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 14वां दिन चल रहा है। लेकिन दोस्तों लियो फिल्म के हम जितनी तारीफें करें कम है, क्योंकि ये है साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर और ये अभी तक अपने पहले 13 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि हम कहेंगे यहाँ पे शाहरुख खान की फिल्म पठान, शाहरुख खान की फिल्म जवान, इसके अलावा सनी देओल की गदर, साल 2023 में हमने बहुत सारे फिल्मों को देखा कमाई करते हुए, जिन्होंने नंबर वन कमाई की और बॉलीवुड के लिए कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। लेकिन तमिल के सुपरस्टार थलापति विजय, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार हैं, इनके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी बड़ी कमाई करती है। लेकिन यहाँ पे लियो फिल्म ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लियो फिल्म अपने पहले 13 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 14वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी थलापति विजय को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म लियो की, लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको प्रोड्यूस किया था SS ललित कुमार ने। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज हमें दिखाई दे रहा था और जैसे ही ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई तो फिल्म को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, हर किसी ने फिल्म को दिल से पसंद किया। हालांकि हिंदी भाषा में इस फिल्म को इतने बड़े स्क्रीनों पर रिलीज किया नहीं गया था, जिस वजह से हिंदी भाषा में ये फिल्म उतनी कमाई करने में कामयाब नहीं रही। क्योंकि यहाँ पे लियो फिल्म ने हिंदी भाषा में जो गिनी चुनी स्क्रीनों पर जो कमाई की वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि बॉलीवुड के कई बड़ी फिल्में, कई बड़े बजट की फिल्में उतनी कमाई हिंदी में नहीं कर पाई। जिनके पास 800 सोच थी, 850 सोच थी, 900 सोच थी, लेकिन लियो फिल्म के पास कुछ गिनी चुनी स्क्रीनें थी। आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 100 से 150 स्क्रीनें थी, लेकिन फिल्म फिर भी बॉक्स ऑफिस पर जो परफॉर्मेंस दिखाई वो वाकई काबिल तारीफ है। लियो फिल्म का बजट था लगभग 250 करोड़ रुपए का। फिल्म ने अपने पहले दिन 64 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई पूरे इंडिया से कर ली थी, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन पहले दिन का 148 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा था। साल 2023 की जो सबसे बड़ी ओपनर थी जो वो थी प्रभास की आदि पुरुष, जिसने 145 करोड़ रुपए की पूरे दुनिया में कमाई की थी अपने ओपनिंग डे पर। लेकिन लियो फिल्म ने आदि पुरुष को पीछे छोड़ा, जवान मूवी को पीछे छोड़ा, पठान को पीछे छोड़ा और साल 2023 की ये सबसे बड़ी ओपनर बन गई। इसके बाद फिल्म को मिला था 4 दिनों का वीकेंड और 4 दिनों के वीकेंड पर ये फिल्म 181 करोड़ 40 लाख रुपये पूरे इंडिया से करने में कामयाब रही, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 364 करोड़ रुपए का रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें 12 दिनों के ऑफिशियल कलेक्शन के बारे में, क्योंकि 12वें दिन फिल्म की जो कमाई रही पूरे इंडिया से वो थी 4 करोड़ 45 लाख रुपए थी। तो फिल्म के जो 12 दिनों की टोटल कमाई थी इंडिया के अंदर तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में वो हो चुकी थी 12 दिनों में 360 करोड़ 90 लाख रुपये। तमिल से फिल्म ने कमा लिए थे 246 करोड़ 55 लाख रुपए। तेलुगु से फिल्म का कलेक्शन था 38 करोड़ 53 लाख रुपए। हिंदी भाषा में फिल्म ने कमाए थे 21 करोड़ 45 लाख रुपए और कन्नाड़ा से फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ 37 लाख रुपए। तो फिल्म की जो टोटल कमाई 12 दिनों की पूरे इंडिया में 307 करोड़ 90 लाख रुपए थी और ये फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 363 करोड़ रुपये था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 181 करोड़ रुपये और पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 544 करोड़ रुपए अपने पहले 12 दिनों में कर रही थी। 13वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 4 करोड़ 20 लाख रुपए का। और अगर हम बात करें 14वें दिन की यानी आज के दिन की, तो दोस्तों आज भी ये फिल्म 4 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से नेट कमा रही है। तो फिल्म के जो टोटल 14 दिनों का तो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है इंडिया के अंदर वो हो रही है 316 करोड़ रुपए सभी भाषाओं में, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्शन 507 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।